2023 का आयोजन किया गया था, काफी लोगों को आपने भी सम्मानित किया, किस तरीके का लगा आज का ये कार्यक्रम? आई थिंक हम सब सोसाइटी में जब कुछ भी काम करते हैं तो जब एक नाम होता है उसके लिए करते हैं, एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए भी करते हैं, लेकिन जब शाबाशी मिलती है सोसाइटी से तो एक इंस्पिरेशन मिलता है और लोगों को भी और खुद को भी और आगे बढ़ने का। तो ये फेस ऑफ इंडिया अचीवर्स 2023 इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था बीनू का। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत दूर दूर से लोग आए, नासिक से, दिल्ली से, एंड सभी फेसेस को इकट्ठा करना और फिर ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना इज़ ब्यूटिफुल। इट वॉज़ वेरी नाइस। इट ऑलवेज फील्स नाइस बिकॉज ऐसे दिन पे सभी लोग खुश होते हैं जो अवार्ड ले रहे हैं, जो अवार्ड दे रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल ओकेजन। नहीं, बहुत खुशी हुई गदर 2 की, इतनी अच्छी ओपनिंग हुई और लोगों को इतनी पसंद आ रही है। आई थिंक वो जो एक रिकलेक्शन होता है एक फिल्म का जिसको आपने इतना इंजॉय किया है, एंड देन पार्ट 2 कम्स आउट एंड एवरीबडी इज ऑलवेज लव्ड सनी देओल और उनके डायलॉग्स, एंड हमारे लिए तो वही दैट इज़ बॉलीवुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो या, ऐसी फिल्में थिएटर देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैज़ डन सो वेल एंड आई होप द अदर फिल्म्स आल्सो डू वेल। अब फिर देखोगे आप? नहीं नहीं, आप आगे देखोगे, मेरी भी फिल्में देखोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मोरल सपोर्ट इन कमिंग हियर ऑल द वे। सभी लोगों के सहयोग से हुआ है और ये टीम वर्क है और कोशिश करेंगे इससे और बेहतर। मैम, आने वाला शो भी आएगा आते सारे 6 महीने में, तो पार्ट 2 बनेगा वापस जैसे गदर? हाँ डेफिनेटली, पार्ट 2 तो और बड़ी हिट होती है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मुबारक, क्योंकि बीनू को बहुत पहले से मैं जानता हूँ, उसने जब कहा कि उसका अवार्ड फंक्शन है और पहली बार कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो मुझे लगा ऐसे मौके पर ज़रूर साथ होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें भी जो अवार्डीज़ हैं जिनको आज अवार्ड मिल रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको सब लोग आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक काफ़ी हो रहे हैं और ये तो चलता रहता है, सर्कल है ना, कुछ लोग कामयाब होते हैं फिर और नए आते हैं, जैसे बीनू ने अभी ये किया है, तो हर साल करेंगे तो अच्छी बात है। सबसे पहले बहुत खुश हूँ, फेस ऑफ इंडिया, इंडिया का जहाँ पर नाम आ जाता है खुशी अपने आप बढ़ जाती है। हमेशा भोजपुरी भोजपुरी के नाम पे अवार्ड लिया, इस बार इंडिया के नाम पे लिया, फीलिंग बेटर, फीलिंग गुड। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे लोग आए हुए थे, अलग अलग फील्ड के लोग आए थे, कैसा लग रहा है सबसे? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे, इतने बड़े बड़े कलाकार, पॉलिटिशियंस, म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर और बहुत इज्जत मिली, बहुत ही सम्मान मिला, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की हो या जिस तरीके से बॉलीवुड, हमेशा से अलग रखा गया था लेकिन आज एक साथ पे एक ही मंच पर सभी लोग थे। यस, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले सब डिवाइडेड थी चीज़ें, लेकिन अभी हम फ़क्र से हमें बुलाया जाता है और इज्जत दी जाती है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डिज़र्व करती है और बहुत स्ट्रगल किया है हमारी इंडस्ट्री ने, बहुत ही नीचे से शुरुआत की है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री ने, तो सो आज एक जगह पे हम हैं, एक बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत आपका आपका सर जी आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दोस्त मिलते जी और आज का ये इवेंट है और आप जल्दी वापस जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सर मैं आप यकीन करें, मैं एडिटिंग चलती है, सुबह से बैकग्राउंड है, हिमांशु जी हमारे खास दोस्त है, मुझे मैंने पूछा है नहीं किधर आना, मैं आ गया, लेकिन आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और आई विश यू गुड लक, आप लोगों ने अच्छा अभिनय किया। फेस ऑफ इंडिया का जो पहला
जो कि बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्म है, इट्स अ क्राइम थ्रिलर। तो मेरी सबसे विनती है कि प्लीज़ 1 सितंबर को जाइए अपने नज़दीकी घरों सिनेमा घरों में और ये फिल्म देखिए एंड आपकी ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग बिल्डिंग के रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर हैं। बॉम्बे के अंदर 500 से ज़्यादा हमने बिल्डिंग रिपेयर कर चुके हैं और आज ये तो असल में इसका सहज आता है संजय शर्मा भाई को, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर हमको बुलाते हैं। मजीद खड़े और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया है और जनाब मुस्तफ़ा अली भोम साहब जो है कम्युनिटी किचन चलाते हैं कानी गली में, जो काफ़ी गरीब लोगों का पेट भरता है, ज़रूरतमंदों के लिए काम करते हैं। तो आज सोशल एक्टिविटी के लिए आपको ये सम्मान मिला, मैं ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ पूरी टीम को। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से थोड़ा जोश आ गया है। फेस ऑफ इंडिया एक ऐसा अवार्ड है जो जिस कलाकार को मिलता है उसके फेस पर इंडिया दिखने लगता है, हिंदुस्तानी फेस जो है चमकने लगता है। मैं समझता हूँ कि फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलकर फेस ऑफ इंडिया अवार्ड को अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रैक्टिस करें ताकि फेस ऑफ इंडिया हर साल आपको मिलता रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो कि इतना बढ़िया अवार्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होकर इसकी गरिमा बढ़ा रहे हैं, महिमा बढ़ा रहे हैं। और महिमा चौधरी जी भी यहाँ पर आई, अवार्ड मिला, मैं तो वैसे ही गदगद हूँ, खुश हूँ। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है बहुत खूबसूरती से किया है, मंगेश भाई है हमारे यहाँ पे, मुझे एज ए चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है और उसके तहत हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत बढ़िया खूबसूरती से प्रोग्राम हो चुका है। मेरा बेटा साहिद खान पलटन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्या चीज़ साहिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश जी का, उनकी पूरी टीम का, जिस तरह से प्रोग्राम किया है बड़ा खूबसूरती से और बड़े बड़े चीफ गेस्टों को बुला के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनका प्रोत्साहन मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। और मंगेश जी और उनकी पूरी टीम को मेरे दिल से और तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। और पुनीत खरे जी ने भी, पुनीत खरे साहब ने भी जो मेहनत किया है उनकी, और अकेला पुनीत खरे साहब ने जितनी भी उनकी पूरी टीम है, हमारे पूरे दिल से हमारे पूरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। पुनीत खरे खरे उतरे इस प्रोग्राम के लिए। देखिए सबसे पहले तो आप सबों को, मीडिया वालों को और जो ये टीवी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, इनको सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। बिन्नू जी ने, पुनीत खरे जी ने जो ये अवार्ड रखा, बहुत ही प्यारा अवार्ड रखा और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के अवार्ड होते रहने चाहिए, जिससे हम लोगों के हौसले तो बढ़ते ही, मगर जो नए नए कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है ये। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और उनको ये पता चलता है कि भाई आज तक हमने जो काम किया है उसमें हमने कहाँ तक आगे पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये अवार्ड होता है हम लोग जाते हैं, कल भी एक अवार्ड था, उससे पहले भी अवार्ड था, फिर आज भी एक अवार्ड है, तो बस इसी तरीके से अवार्ड होते रहें। हमें ये लगता रहे कि आज भी हम यंग हैं। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ इज मोहित जोशी फ्रॉम अहमदाबाद एस्ट्रोलॉजर। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अहमदाबाद से आया हूँ। आज के इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फेस ऑफ इंडिया अचीवर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, मुझे ये अवार्ड प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज फेस ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी है, ये ऐसी चीज़ें ऑलवेज होती रहे, जिससे लोगों का जो हौसला है वो बढ़ता रहे और लोगों का कम्प्लीटली मानसिक विकास होता रहे। या थैंक यू सो मच। मेरा नाम विरल है और हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू फेस ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली शैलेश भाई, मुंबई रफ्तार, आई एम रियली थैंकफुल। ये इतना बड़ा अचीवमेंट हमें सेलिब्रिटी के हाथों से दिलवाने के लिए, और ये एक्चुअल में मुझे बहुत मोटिवेट करता है जब हमें हम जो काम कर रहे हैं प्लेसमेंट्स और ट्रेनिंग का, वहाँ पर और भी मोटिवेशन से आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम है शिल्पा कालकर्णी, फेसेस ऑफ इंडिया प्रोत्साहन है सब नए कलाकारों के लिए, अच्छे कलाकारों के लिए।
थैंक यू विनू जी एंड थैंक यू इसी तरह से हर साल ये ग्रैंड इवेंट्स सर अपना इंट्रोडक्शन है और क्या कहना चाहेंगे फेस ऑफ इंडिया अचीवर्स अवार्ड मिला मुझे अपने फेस ऑफ इंडिया में आमंत्रित किया शैलेश पटेल मुंबई दफ्तर न्यूज़ और पूरी टीम ने आमंत्रित किया उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं हर चीज़ के हाथ से ये अवार्ड प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू नमस्ते दिस इज सेजल मांडविया टॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस मैं फेस ऑफ इंडिया अचीवर अवार्ड के लिए एक ही बोलना चाहूँगी कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू गेट दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज अ रियली ग्रेट अवार्ड एंड अ ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी एंड आई रियली लाइक कमिंग हियर एज अ सेलिब्रिटी यस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी पुनीत करेजी थैंक यू ऐसे अवार्ड शो हर साल और हमारे जो नए डायरेक्टर के अवार्ड थैंक यू सो मच थैंक यू मैम Hi friends, this is Ashwin Jachak and founder of Bharat Community Commerce, Connect, Collaborate and Celebrate. And today we are here for the Kheri sir and they are organized this Face of India 2023 award and we are blessing of that we have associated with them and they are organizing this award functions. And thank you so much for Kheri sir for conducting this kind of award and we wish you best of luck for future endeavors. Apna introduction dijiye aur aaj is award show mein aap aaye hue hai kya kehna chahiye? राहुल पांडे ये फेस ऑफ इंडिया ये जो अवार्ड फंक्शन होगा इसमें आकर के इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं इसमें सपोर्ट करता रहूँ आता रहूँ बेसिकली मैं फाइनेंस देखता हूँ बिजली से लेकर के बिल्डर वगैरह जो है तो फेस ऑफ इंडिया ने मुझे बुलाया